एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक शिकारपुर में स्थित रजपुरा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने राजेश कुमार को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 1625 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 1100 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 372 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 73 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 12 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 75 विद्युत पोल, 13 ट्रांसफार्मर व 13 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाले का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास, शमशान घाट की बाउंड्री, तालाब, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 124 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम रजपुरा, ग्राम प्रधान हूं मैं। मेरे गांव में बहुत समस्या है, पानी की निकासी, स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की उपस्थिति होनी और इंटरलॉक की। मैंने अपने गांव में खंजा, इंटरलॉकिंग, राशन डीलर की दुकान ये अपने स्तर से कराई है और सोलर लाइट 13 कराई है। और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में एक पंचायत घर नहीं है, उसी व्यवस्था होनी चाहिए। और शमशानों की 4 दीवारी और तालाब तक 250 मीटर का नाला निर्माण होना चाहिए। और मेन रास्ता जो PWD के अंतर्गत आता है उस पर कोई कार्य नहीं हो, बहुत खंडर पड़ा हुआ है, आने जाने में लोगों को बहुत समस्या हो रही है, वो जल्दी जल्दी निर्माण किया जाना चाहिए। हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास की बहुत आवश्यकता है। गरीबों पर कोई कच्चे मकान में रह रहा है, कम से कम 5-6 लगभग जो पात्र हैं उनके अभी तक कोई मकान नहीं बना है, जो प्रधानमंत्री आवास मकान लागू किया जाए। और आंगनबाड़ी केंद्र की बहुत दिक्कत है, बच्चों को बहुत परेशानी है, वो आंगनबाड़ी केंद्र नया बने और पंचायत घर भी बनना चाहिए। हमारे गांव में 124 शौचालय बनने चाहिए और स्कूल में इंटरलॉकिंग होनी चाहिए।